ग्राम रहट गांव में इन दिनों गणेश उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। घर घर में श्री गजानन विराजे हैं। बच्चे हो या बड़े, सभी लोग श्री गणेश उत्सव मना रहे हैं। बाजार चौक रहट गांव के गणेश मंदिर में 51 किलो लड्डू का भोग लगाया गया और आसपास के क्षेत्रों में भी भगवान श्री गणेश की बड़ी सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की गई और रोजाना ही सुंदर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भव्य मंदिर में आज क्या विशेष आयोजन था? आज श्रद्धालुओं के द्वारा, भक्तों के द्वारा भगवान को 51 किलो मोदकों का नैवेद्य लगाया गया और उसी का प्रसादी वितरण किया गया और सभी श्रद्धालुओं ने इसमें बहुत सहयोग किया जी। काफी अच्छा सहयोग रहा सभी का, बड़ा आनंद हो रहा है इस समय। अच्छा, इस बार भगवान श्री गणेश कितने दिनों के लिए विराजमान हुए हैं? इस बार बड़ा संयोग है कि काफ़ी समय के बाद में इस बार जो है 11 दिनों के लिए भगवान गणपति जी, पहले 10 दिनों के लिए होते थे जी, 10 दिनों के लिए हम लोग उत्सव मनाते थे, लेकिन इस बार विशेष एक दशमी तिथि भुवन विजय पंचांग के अनुसार दशमी तिथि बढ़ी है जी। तो दशमी तिथि बढ़ने के कारण इस बार जो है ये पर्व एकादश दिवस यानी 11 दिनों का ये पर्व है, जिसको कि हमारे ज्योतिष की भाषा में, आध्यात्म की भाषा में शुभ कहा जाता है। 11, 21, 51 ये शुभ होता है और भगवान की जो विदाई है, भगवान गणपति की जो विदाई है वो एकादश मंगलवार के दिन है। मंगल करके जा रहे हैं और साथ में उत्पात योग में भगवान की विदाई होगी, यानी जितने उत्पात हैं वो उनको अपने साथ में बांध करके ले जा रहे हैं, ऐसा विद्वानों का मत है जी। आप श्रद्धालु हैं, किस प्रकार आप उत्सव मना रहे हैं श्री गणेश का? आज भगवान का श्रृंगार करा गया जी और 51 किलो मोदक का भोग लगा के उत्साह मना रहे हैं जी। काफ़ी उत्साह दिख रहा है, आप लोगों का भी सहयोग रहा है इसमें? हाँ, सभी का सहयोग रहता है यहाँ पे, सभी नागरिकों का, आसपास के व्यापारियों का, गणेश चौक में जितने भी आसपास के व्यापारी उनका प्रतिदिन यहाँ पर अब महाप्रसादी का भोग लगाया जा रहा है। तो बड़े धूमधाम से गणपति महोत्सव मनाया जाता है हर वर्ष यहाँ गणेश चौक जी। गणपति बब्बा मोरिया, आधा लड्डू चोरिया, बोलो गणपति महाराज की जय।